जय हिंद साथियों, नमस्कार। लेकर के आ गया हूँ फिर से मैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मज़दूरों को सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा मजदूर भाइयों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किसानों को भी लाभान्वित कर रही है, ऐसे ही दोस्तों मज़दूर भाइयों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट है, एक हमारे जो मज़दूर भाई हैं उनको मिला है। मंडलीय ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र है, इसके द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और कुछ उपकरण होते हैं जिस कैटेगरी में या जिस स्ट्रीम में आप वर्क करते हैं उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि उपकरण दिए जाते हैं। अब मान लीजिए आप कोई कुम्हार हैं तो आपको जो चाक होता है वो चाक आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं माटी कला, यानी कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड लिखा हुआ है और ये एड्रेस भी पड़ा हुआ है, नजीबाबाद जनपद बिजरौर कोटद्वार रोड ग्राम अकबरपुर चौगावा। ठीक है, ये देख सकते हैं क्रम संख्या दी हुई है, प्रमाण पत्र है, एक तरफ फोटो है और उत्तर प्रदेश का लोगो भी है। और ये इस तरीके का चेक है, आप देख ही सकते हैं वीडियो में, माटी कला शिल्पकारी व्यवहारिक और आधुनिक उपकरण हेतु इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक कुम्हार हैं और कुम्हार जाति से ही हैं, तब भी इस योजना का लाभ, तब तो आपको योजना का लाभ मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप अदर कास्ट से भी हैं और आप कुम्हार जैसा काम करते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो दोस्तों इस योजना का लाभ आपको भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ प्रमाणित किया जाता है, एक तरफ फोटो लगा हुआ है, एक तरफ क्रम संख्या है और नीचे लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नाम है, उसके बाद पुत्री, पत्नी या पुत्र, यानी कि इसमें आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई अनमैरिड गर्ल हो उसको भी लाभ मिलेगा, या अनमैरिड कोई पर्सन हो उसको भी लाभ मिलेगा। अब मेन बात ये आती है कि आप सोच रहे होंगे ये किस वर्ष का है, कहीं ओल्ड तो नहीं है। तो आप वित्तीय वर्ष देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2022-23 में, दिनांक भी लिखी हुई है 11/7/22 से 13/7/2022 तक, यानी कि 3 दिवसीय आधुनिक उपकरण संचालन प्रशिक्षण हेतु ये जो प्रमाण पत्र है दिया गया है और इन्होंने सफलतापूर्वक जो प्रमाण पत्र है वो ले लिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अदर कैटेगरी वाले, जैसे कि ये वेल्डर हैं और वेल्डिंग का काम करते हैं, तो उनको जो वेल्डिंग से रिलेटेड जो उपकरण है वो दिए जाएंगे, जैसे कि ये ग्लेंडर वगैरह है या और भी काफ़ी सारे जो रहते हैं वो सारे टूल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ऐसे ही श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत काफ़ी सारी योजनाएं हैं, मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं और वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों यह सामने आपके सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें आपके सामने है। अब मैं ले करके चलता हूँ आपको हमारी पोर्टल पर और पोर्टल पर चल के दिखाता हूँ कि कौन कौन सी योजनाएँ चली हुई हैं वर्तमान समय में और किस प्रकार से इन सभी योजनाओं में आप एलिजिबल हो सकते हैं और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने इस पोर्टल पर। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लाभार्थी परक योजनाएं हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिनसे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जो युवा हैं वो लोन वगैरह लेकर के अपना रोजगार कर सकते हैं। उसके बाद है एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, उसके बाद है एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्वकर्ता श्रम सम्मान योजना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कि पढ़ा लिखा हो या ना हो इससे कोई भी मतलब नहीं है, और इस योजना में पहले आपको लाभ नहीं मिला हो ये भी होना चाहिए, और जो परिवार है, परिवार का अर्थ है पति पत्नी दोनों से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु जाति कोई एकमात्र आधार नहीं है, और इसमें दोस्तों मान लीजिए आप अगर किसी दर्जी के लिए भरते हैं तो सिलाई मशीन प्रोवाइड कराई जाएगी, यदि और किसी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको वह है टूल किट प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं टूल किट योजना, जो एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना है। इस योजना के भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, सेम जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है वह भी आप देख सकते हैं नीचे लिखी हुई है। इसमें भी शैक्षिक योग्यता तो कोई अनिवार्य नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति निराक्षर है, पढ़ाई नहीं की है, तब भी इस योजना का लाभ ले सकता है। मैंने जो अभी पीछे आपको सर्टिफिकेट दिखाया है वो कोई खास पढ़े हुए व्यक्ति नहीं है और दोस्तों उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो और भी काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल चुका है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी भविष्य में योजनाएं हैं सब योजनाओं को आपका पता चलता रहे। अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं या फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रशिक्षण हेतु योजना, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी योजनाएँ, अभी इसमें ब्लैंक आ रहा है लेकिन दोस्तों ये भी योजनाएँ है, ऐसी भी अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं हैं। उसके बाद में एक जनपद एक उत्पाद वाली भी योजनाएं हैं, तो काफ़ी सारी दोस्तों योजनाएं हैं और इन योजनाओं के बारे में मैं लगातार आपसे डिस्कस करता रहूँगा, आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको लाभ हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।